ऑलराइट फ्रेंड्स, नाउ यू टेक का फोर्थ पार्ट जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड इसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ, मैंने 5.24 पे आपको दिया हुआ है एक्सप्लेन करके, पेज नंबर 5.24 पे आपको दिया है एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट इन मार्जिनल कॉस्टिंग. दिस इज योर स्पेसिफिक कॉस्ट, मींस ये डिपेंड करेगा कोई स्पेसिफिक सिचुएशन के ऊपर. ओके, एनी कॉस्ट विच इज नॉट इन द नेचर ऑफ वेरिएबल भी नहीं रहेगा, ना तो वो वेरिएबल है, ना वो फिक्स्ड है, ना वो सेमी वेरिएबल है. एक डिपेंड करेगा कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा करके, ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, स्पेसिफिक कॉस्ट. स्पेसिफिक कॉस्ट मीन्स डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक सिचुएशन, आपका जो स्पेसिफिक सिचुएशन है उसके ऊपर आपको डिपेंड करेगा. 5.24 पे मैंने आपको दिया है एनी कॉस्ट विच इज नॉट इन द नेचर ऑफ वेरिएबल, नॉट इन द नेचर ऑफ फिक्स्ड, इट्स ए सेमी वेरिएबल इज नोन एज ए स्पेसिफिक कॉस्ट. आपका क्या हो जाएगा, एज ए स्पेसिफिक कॉस्ट. अब उसका एक मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं. सपोज यू टेक दिस इज योर केस स्टडी वन, आप ले लीजिए फ्रेंड्स, आपको क्लियर होगा. केस स्टडी वन, आप लोगों ने पिज्जा खाया है राइट. एक पिज्जा का एग्जाम्पल अपन लेते हैं. पिज्जा कंपनी है, पिज्जा कंपनी बोल रही है कि हमारा सेलिंग प्राइस है से रुपीज 200. हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, से रुपीज 200. हमारा वेरिएबल प्राइस बनाने का आता है, वेरिएबल प्राइस सपोज 120, तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, दिस इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन, हमारा आता है कॉन्ट्रीब्यूशन आता है 80 रुपीज पर यूनिट. लेकिन उसके अंदर तीन तरह के अपने और हैं. एक है आपका फिक्स्ड कॉस्ट, एक है आपका फिक्स कॉस्ट, एक है आपका बॉक्स कॉस्ट, बॉक्स कॉस्ट, और एक है आपका प्रॉफिट. तो सपोज प्रॉफिट हमको नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फोर्थ मेथड इज ए ब्रेक इवन पॉइंट. फिक्स कॉस्ट है मेरा 1,08,000 एंड बॉक्स मीन्स 1 to 50 पिज्जा अगर मैं पैक करता हूं तो उसका एक का कीमत है ₹400. इज दिस क्लियर ऑर नॉट फ्रेंड्स, केस स्टडी आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. दिस इज माई केस स्टडी वन, सेलिंग प्राइस ₹200 है, वेरिएबल प्राइस 120 है, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन ₹80 है, मेरा फिक्स कॉस्ट 1,08,000 है, बॉक्स कॉस्ट 1 to 50 ₹400 है और प्रॉफिट है मेरा 0. ये सेम क्वेश्चन का कंसेप्ट May 22 में भी पूछा हुआ है. May 22 में ये सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है May 2022 में, बराबर. इस टाइप के मैंने दो तीन क्वेश्चन कवर अप कराए, मैं आपको कराऊंगा आगे वीडियो में. लेकिन पहले एक बार आप कंसेप्ट को समझ लीजिए. May 22 में एग्जैक्टली सेम टाइप क्वेश्चन पूछा हुआ है और वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके वीडियो बना के मेरे यूट्यूब चैनल पे भी डाला है, अगर आप चाहे तो उसको रेफर कर सकते हो. व्हाट इज योर सेलिंग प्राइस इज 200, वेरिएबल प्राइस 120, आपका कंट्रीब्यूशन आता है ₹80, लेकिन आपका फिक्स कॉस्ट है ₹1,08,000 और आपका बॉक्स कॉस्ट है, आपका बॉक्स कॉस्ट है 1 to 50 तक आपके पास आ सकते हैं, लेकिन उसका प्रॉफिट आपको क्या मिल रहा है, 0. अब ये जानना चाहते हैं आपसे कि व्हाट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट. अब इसके अंदर ये जो कॉस्ट है वो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दिस इज योर स्पेसिफिक कॉस्ट. ये आपका क्या हो जाएगा, इज ए स्पेसिफिक कॉस्ट, ना तो ये वेरिएबल है, इट्स नॉट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू द सेम प्रोपोर्शन ऑफ पिज्जा. 1 to 50 तक है, इट मींस आप 1 पिज्जा लोगे तो भी बॉक्स लगेगा, आप 5 पिज्जा लोगे तो भी बॉक्स लगेगा, और 50 पिज्जा लोगे तो भी बॉक्स लगेगा. इट्स नॉट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ना ये फिक्स्ड है. ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा ही लगेगा, कोई भी बंदा अगर पिज्जा खरीदेगा तो लगेगा, पिज्जा नहीं खरीदेगा तो नहीं लगेगा. ना ही ये सेमी वेरिएबल है कि इसमें से ये वाइफर कट हो जाए कि वेरिएबल कितना है और फिक्स कितना है. इसका मतलब इट हैज टू बी योर स्पेसिफिक कॉस्ट. क्वेश्चन ये है कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन में हाउ टू फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट, हम इसके अंदर अपना ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे, कैसे हम इसके अंदर ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे,
कैसे हम लोग इसके अंदर ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये जो कॉस्ट है उसको हम कैसे ट्रीट करें, बॉक्स के कॉस्ट को हम लोग कैसे ट्रीट करें, ना तो ये वेरिएबल है, ना ये फिक्स्ड है, ना ये सेमी वेरिएबल है, ना तो ये पिज्जा के साथ इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ना तो ये पिज्जा के साथ इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ना ये फिक्स्ड है, ना इसमें से बाइफरकेट कर सकते हैं, तो क्या करें? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें ये जो अमाउंट है 1,08,000, ये आपका क्या है, ये आपका कॉन्स्टेंट अमाउंट है, ये आपका फिक्स्ड अमाउंट है, ये आपका कॉन्स्टेंट अमाउंट है 1,08,000, 1,08,000 आपका कॉन्स्टेंट अमाउंट है, सही है सुनो, ये आपका क्या है 1,08,000 कॉन्स्टेंट अमाउंट है, बराबर। पहले इसको रिकवर कर लेते हैं और उसके बाद हम बॉक्स कॉस्ट को रिकवर करेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, इट मींस कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, इट मींस स्टेटमेंट स्टेटमेंट शोइंग ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। पहला दिस इज योर बीपी विदाउट बॉक्स, हम लोगों ने बॉक्स को कंसीडर नहीं किया, बीपी निकाला, इट मींस 1,08,000 डिवाइडेड बाई 80, क्योंकि आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है 80 रुपीज है, पहले हम लोगों ने 1,08,000 को रिकवर कर लिया, इट मींस नंबर ऑफ पिज्जा आपको आएंगे नंबर्स इज, दिस इज 1,08,000 डिवाइडेड बाई 80 एंड दिस कम्स टू 1,350 नंबर्स, ये पिज्जा आपके आगे 1,350। नाउ बीपी फॉर बॉक्स, बीपी फॉर बॉक्स इट मींस 1,350 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू 1 बॉक्स, तो कितने बॉक्स अपने को लगेंगे, इट मींस 1,350 डिवाइडेड बाई 50 इज 27 बॉक्सेस, बराबर। अब 27 बॉक्स, एक का कीमत है 400 रुपीज, आपका कॉस्ट हो जाएगा 27 इंटू 400 इज 10,800, उसको वापस से रिकवर करेंगे 80 रुपीज से, इट मींस 10,800 डिवाइडेड बाई 80 एंड दिस कम्स टू 135। अब 135 के लिए वापस हमको बीपी निकालना पड़ेगा, बिकॉज इसके लिए भी हमको बॉक्स चाहिए, बीपी बीपी फॉर बॉक्स, बीपी फॉर बॉक्स 135 डिवाइडेड बाई 50, इट मींस 135 डिवाइडेड बाई 50 आपके 2.7 बॉक्स आएंगे, 2.7 बॉक्स नहीं ले सकते, हमें लेना पड़ेगा 3 बॉक्स, 3 बॉक्स में इंटू 50 हमारे पास 150 हो जाएंगे पिज्जा की जगह, और हमको चाहिए फॉर 135, इसका मतलब 15 पिज्जा की जगह हमारे पास और बचेगी, बराबर। इट मींस 3 इंटू योर 400 इज ए 1200 डिवाइडेड बाई 80 एंड दिस कम्स टू 15 एंड 15 का प्लेस तो हमारे पास है, ब्रेक इवन पॉइंट विल बी 1,500। ये कैलकुलेशन आपको समझना बहुत जरूरी है, ये कैलकुलेशन आपको समझना बहुत जरूरी है, इसको मैं और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके भी आपको समझाता हूं, बराबर। तो आप पहले इस कैलकुलेशन को समझिए कि मेरे पास क्या है, पहले मैं किसको रिकवर करूंगा, पहले मैं रिकवर करूंगा फिक्स कॉस्ट को, पहले मैं किसको रिकवर करूंगा, इजे फिक्स कॉस्ट को हम रिकवर करेंगे, और उसके अंदर दे दीजिए स्पेसिफिक कॉस्ट, इजे बॉक्स कॉस्ट, और आपको प्रॉफिट दे रखा है, ये आपका कंट्रीब्यूशन दे रखा है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये आपका वेरिएबल प्राइस। सही है सुनो फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्लीज बताइए आप मुझे, परफेक्टली क्लियर होना। इट मींस सबसे पहले हम लोगों ने ये जो कॉन्स्टेंट अमाउंट है 1,08,000 उसको विदाउट बॉक्स हम लोगों ने, अगर ये बॉक्स का कॉस्ट नहीं होता तो हमारा बीपी कितना होता था 1,350, फिर बीपी लेकिन हमको बॉक्स चाहिए तो 1,350 को सेल करने के लिए कितने बॉक्सेज हमको लगेंगे, तो 1,350 डिवाइडेड बाई 50 इज 27 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 80 इज 135।
फिर बीईपी वापस से 135 को हम कैसे सेल करेंगे, उनके लिए तो पैकिंग की जगह चाहिए ना, तो 135 डिवाइडेड बाई 50 2.7, हमको 3 बॉक्स लेने पड़ेंगे, 3 × 50 उसमें 150 पीजे आ जाएंगे, लेकिन हमको जगह चाहिए 135 की, 15 के लिए आपके पास बैलेंस बचा, 3 बॉक्स है, एक 480 15 एंड दिस कम्स टू, इफ यू सेल 1500 यू विल गेट नो प्रॉफिट नो लॉस. कैसे? इट मींस अगर आपने सेल किया, दिस इज योर सेल्स इज 1500, एक का सेलिंग प्राइस है 200, इट मींस 1500 इंटू 200 एंड दिस कम्स टू 3 लैक्स, 3 लैक्स रुपीज. उसके दो पार्ट, एक आपका वेरिएबल कॉस्ट, इट मींस 1500 इंटू 120, इट मींस 1500 इंटू 120 इज 1,80,000. व्हाट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन? योर कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी माइनस 3 लैक्स एंड 1,20,000. 120 के दो पार्ट इज ए फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट इज 1,08,000 इज गिवन, एंड देन योर बॉक्स कॉस्ट, बॉक्स कॉस्ट इज 1500 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 400, 1500 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 400 एंड दिस कम्स टू 12,000. सही है सुनो, सो 108 प्लस 12 इज 120, 180 एंड मेरा टोटल सेल्स रुपीज 3 लैक्स. अब इसको और मैं थोड़ा टफ करता हूं, लेकिन उससे पहले आप और एक केस स्टडी लीजिए, एंड दिस इज योर केस स्टडी 2, आप एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको 3 कराता हूं. दिस इज योर केस स्टडी एंड 2, केस स्टडी 2 आपको दे रखा है, दिस इज पेज नंबर 5.25 के ऊपर केस स्टडी 2 आपको दे रखा है. जैसे सपोज मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास सपोज 100 रुपीज है, यू हैव ए 100 रुपीज, एंड अगर आप एक चॉकलेट खरीदते हो तो देन द सेलिंग प्राइस ऑफ वन चॉकलेट और परचेज प्राइस ऑफ वन चॉकलेट एट द रेट ऑफ रुपीज 1 रुपी पर चॉकलेट, 1 रुपी पर चॉकलेट, ओके. बट देर इज ए स्कीम कि इफ यू रिटर्न 3 रैपर्स, इफ यू रिटर्न 3 रैपर्स यू विल गेट 1 चॉकलेट. अगर आप 3 रैपर्स रिटर्न करते हो तो आपको वापस से 1 चॉकलेट मिल जाएगा. 100 रुपीज आपके पास है, 1 रुपी की 1 चॉकलेट है, 3 रैपर्स अगर आप रिटर्न करते हो तो आपको क्या मिलेगा? 1 चॉकलेट. तो आप ये बताइए कि 100 रुपीज में आप कितने चॉकलेट्स कंज्यूम्ड कर सकते हैं, 100 रुपीज में आप कितने चॉकलेट कंज्यूम कर सकते हैं. देखो आपके पास 100 रुपीज थे, आपने 1 रुपी का 1 चॉकलेट लिया, आपको नंबर ऑफ चॉकलेट्स मिले, नंबर ऑफ चॉकलेट्स आपको मिले 100 आप लेके गए, देन आपने खाए तो आपके पास 100 रैपर्स हो गए, डिवाइडेड बाई 3 आपका आएगा 33.33 आपको चॉकलेट मिल जाएंगे, क्योंकि 3 रैपर्स के बदले में 1 चॉकलेट है, तो शॉपकीपर आपको कितने देगा? 33. और आपके पास 1 क्या रह जाएगा? बैलेंस रैपर, 1 बैलेंस क्या हो जाएगा आपका? रैपर का आपके पास क्या हो जाएगा? एक रैपर का आपके पास क्या हो जाएगा? बैलेंस, क्योंकि 33 आपको दे रहा है ना, 1 रैपर आपके पास रह जाएगा. अब आपके पास क्या हो गए? 33 प्लस 1 पहले से था रैपर आपके पास, डिवाइडेड बाई 3, इट मींस 33 प्लस 1 34 डिवाइडेड बाई 3 इज 11.33. तो 11.33 तो नहीं लेगा शॉपकीपर, आपको देगा 11 चॉकलेट, इट मींस आपके पास वापस से 1 रैपर रह जाएगा, आपके पास 1 रैपर रह जाएगा. और ये तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी मस्ती करने में पूछ सकते हो करके, हाउ टू सॉल्व दिस, इट मींस 1 प्लस 11 ये आपका हो गया, डिवाइडेड बाय 3
आपको फोर चॉकलेट मिल जाएगी। फिर फोर चॉकलेट का फोर रैपर डिवाइडेड बाई थ्री एंड दिस कम्स टू 1.33, आपको वन देगा और आपके पास वन रैपर रह जाएगा। इसका मतलब 100 रुपीज में आप खा सकते हैं 100 प्लस 33 प्लस 11 प्लस 4 प्लस 1 और आप खा सकते हैं 149 चॉकलेट। आप खा सकते हैं 149 चॉकलेट। ये तो आप फ्रेंड्स के साथ भी मस्ती करने में आप पूछ सकते हो कि आपके पास 100 रुपीज हैं, आपके पास 100 रुपीज हैं, आपके पास कितने रुपीज हैं, 100 रुपीज हैं, 1 रुपी पर चॉकलेट आपको मिल रहा है, 1 रुपी पर चॉकलेट, 3 रैपर्स देने के बाद वापस से आपको एक चॉकलेट मिलेगा। आपको केस स्टडी करना है पेज नंबर 5, 100 रुपीज में आप कितनी चॉकलेट खा सकते हैं, 100 रुपीज में आप कितनी चॉकलेट खा सकते हैं वो आपको बताना है, 100 रुपीज में आप कितनी चॉकलेट खा सकते हैं वो आपको बताना है। सही है, सुनो फ्रेंड्स, फिर मैं आपको लेके चलता हूं फ्रेंड्स, दिस इज योर केस स्टडी 3, दिस इज योर केस स्टडी 3, ये आपका केस स्टडी 3 एंड पेज नंबर 5.25, उसी को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा है, केस स्टडी 3 पेज नंबर 5.25, इट मींस सपोज योर सेलिंग प्राइस इज 200 पर पिज्जा, योर वेरिएबल प्राइस इज 120 पर पिज्जा, आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा, कंट्रीब्यूशन इज 80 रुपीज, देन योर फिक्स्ड कॉस्ट इज 12,96,000, योर फिक्स कॉस्ट इज 12,96,000, योर बॉक्स कॉस्ट इट मींस सेम 1 to 50 इज कम्स टू रुपीज 400 एंड प्रॉफिट आपको क्या चाहिए, 0। तो व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट अगेन इन दिस, जस्ट आपको कैलकुलेशन पार्ट को प्रॉपरली समझना है, ओके फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन कैलकुलेट। तो पहले हम इसको, क्योंकि ये अमाउंट क्या है, दिस अमाउंट इज ए कॉन्स्टेंट वन, ये अमाउंट आपका क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये अमाउंट आपका फ्लक्चुएट हो रहा है, जैसे जैसे पिज्जा का सेल बढ़ेगा घटेगा, ये आपका बढ़ेगा घटेगा, राइट, और प्रॉफिट आपको चाहिए नहीं, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स आराम से वन बाई वन आप समझिए, इट मींस ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, दिस इज 12,96,000 डिवाइडेड बाय 80, 12,96,000 डिवाइडेड बाय 80 और आपके नंबर्स हो जाएंगे 12,96,000 डिवाइडेड बाय 80 इज 16,200। अगर आपके पास ये बॉक्स का लफड़ा नहीं होता तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट, अगर आपके पास बॉक्स का ये लफड़ा नहीं होता तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाता था फ्रेंड्स, अगर ये बॉक्स का लफड़ा नहीं होता तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता था 12,96,000 डिवाइडेड बाय 80 16,200। अब ये 16,200 को बेचने के लिए, 16,200 को बेचने के लिए आपके पास कितने नंबर्स चाहिए, 16,200 को बेचने के लिए नंबर्स ऑफ पिज्जा आपके चल रहे, अब 16,200 इट मींस दिस इज बीपी, ये था विदाउट बॉक्स, विदाउट एंड बॉक्स बीपी फॉर बॉक्स, अब आपको निकालने पड़ेंगे बॉक्स, इट मींस 16,200 डिवाइडेड बाय 50, क्योंकि 50 इक्वल टू आपका वन पिज्जा आ जाएगा, सो 16,200 डिवाइडेड बाय 50 इज 324, सो 324 बॉक्सेज आपको लगेंगे
एक बॉक्स 400 रुपए का है, 400 रुपीज डिवाइडेड बाय 80, 80 हमारा कंट्रीब्यूशन है, इसका मतलब 324 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 80 आपको क्या आ जाएगा 1620। अब आपको 1620 पिज्जा को पैक करने के लिए वापस से बॉक्स चाहिए, पहले आपको 16200 के लिए चाहिए, अब आपको 1620 के लिए और चाहिए, तो 1620 डिवाइडेड बाय 50, 1620 डिवाइडेड बाय 50 आपका आएगा 32.4। देन अगेन दिस इज योर बीपी एंड बीपी फॉर फॉर बॉक्स 32.4 मीन्स आपको लेना पड़ेगा 33। एक का कीमत कितना है 400 रुपीज डिवाइडेड बाय 80, इट मीन्स 33 अगर आपने लिए, एक में आते हैं 50 पिज्जा, सो 33 इंटू 50 आपके पास हो जाएगा 1650, लेकिन आपको जगह चाहिए ओनली 1620 के लिए, तो आपके पास बैलेंस कैपेसिटी बचेगा 30 नंबर्स के लिए। अब 33 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 80 आपका क्या आ जाएगा 165, आपको 165 पिज्जा सेल करने के लिए वापस से बॉक्सेस चाहिए 165, तो 165 इट मींस दिस इज बीपी बीपी फॉर बॉक्स 165 में से ऑलरेडी हमारे पास 30 का प्लेस तो है, 30 का प्लेस है, इट मींस 165 माइनस 30 आपको बचेगा 135, आपके पास कितना बचेगा 135। अब 135 डिवाइडेड बाय 50 आपको क्या आएगा, इट मीन्स 135 डिवाइडेड बाय 50 आपको क्या आएंगे 2.7 बॉक्स, सो से आपको 3 बॉक्स लगेंगे, ओके सो 3 इंटू 50 हमारे पास जगह हो जाएगी 150 की, हमको चाहिए 135, हमारे पास 15 का प्लेस और बचेगा, ओके एंड 3 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 80, 3 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 3 into 400 divided by 80 आपका आएगा 15, और 15 का प्लेस तो आपके पास अवेलेबल है, इसका मतलब टोटल 16200 प्लस 1620 प्लस 165 प्लस 15 18,000 अगर आपके पास है पिज्जा तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। अगर आपके पास 18,000 पिज्जा है तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा, इवन यू कैन वेरीफाई योर आंसर, मींस आपको ये कैलकुलेशन पे बराबर से ध्यान देना है। कैसे वेरीफाई करेंगे, इट मींस सेल्स, सेल्स है आपका 18,000 इंटू 200, 18,000 इंटू 200 इज 36 लैक्स, ये आपका सेल्स, देन वेरिएबल कॉस्ट, देन कंट्रीब्यूशन, इट मींस 18,000 इनटू 120 हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, 18,000 इनटू 120 इज 21,60,000, तो मेरा कंट्रीब्यूशन बचेगा लेस 36 लैक्स इज 14,40,000, उसके दो पार्ट, एक आपका फिक्स कॉस्ट है 12,96,000, ओके और एक आपको लगेगा बॉक्स कॉस्ट, बॉक्स कॉस्ट कितना है 18,000 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 400, इट मीन्स 18,000 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 400 एंड दिस कम्स टू 1,44,000, तो 144 प्लस 1296 प्लस 144 इज 14,40,000, ये आपका सेल हो गया, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट। मेन आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कैसे कैलकुलेशन, ये वाला पार्ट आप बार बार समझने की कोशिश करिए, तब ही जाके आपको क्लियर होगा। ये चॉकलेट वाला जो पार्ट है
आप बार 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 समझिए, 100 चॉकलेट मिलेंगी, रैपर लेके जाऊंगा, फिर चॉकलेट मिलेंगी, रैपर लेके जाऊंगा, ये वाला अगर आपको क्लियर हो गया तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा आपको ये कंसेप्ट को डिस्कस करना चाहिए करके। आर यू फॉलोइंग ऑन नॉट फ्रेंड्स? ओके, तो मैंने आपको 3 केस स्टडी आपको करा दी। आप इसके ऊपर एग्जैक्टली मैं आपको, मेरा बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एक जंपिंग मंकी का, वो मैं आपको कराऊंगा, एक नर्स वाला वो मैं आपको कराऊंगा, और मई 22 का एक क्वेश्चन मैंने मेरे यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि इसका सम कैसे होगा। ओके, थैंक यू।